इसके आगे है ना, लास्ट वाले वीडियो तक हम लोगों ने फंक्शन देख लिया है ना। जैसे ये अगर तुम्हारे पास चीज अगर लिखी है, दिस थिंग इज नथिंग बट अ रिलेशन, अ टाइप ऑफ रिलेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ऐसा तो दिस इज नथिंग बट अ रिलेशन। किस तरह का रिलेशन? रिलेशन है ना, वॉट टाइप, किस टाइप का रिलेशन है? अ रिलेशन विच रिलेट्स एक्स एंड पी एक्स, समझे क्या? विच रिलेट्स एक्स विथ, है ना, एक्स विथ पी एक्स, क्या कहते हो? बस वेदर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट, वेदर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे पास क्राइटेरियाज हैं, है ना? वो क्राइटेरियाज क्या है? क्राइटेरियाज क्या है? क्राइटेरिया है ईच एक्स शुड बी यूज्ड अप, है ना, ईच एक्स शुड बी यूज्ड अप, है ना, एफ एक्स शुड बी, ऐसा उसको लिखना चाहिए ज्यादा अच्छे शब्दों में, एफ एक्स शुड बी डिफाइंड एंड फाइनाइट फॉर ईच एक्स। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? एफ एक्स शुड बी यूनिक, ठीक है, फॉर एनी एक्स, ये बात ध्यान में रखनी है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक्स के लिए दो आउटपुट आ जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा आउटपुट आ जाए एक एक्स के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है अपना, इस क्राइटेरिया के तहत हम लोगों ने सीखा। हाँ बोलो। तो जिन एक्स के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, उस एक्स में हमेशा पाई बाय टू को, माइनस पाई बाय टू को छोड़ देंगे, उन एक्स के लिए हमेशा 3π/2 -3π/2 को छोड़ देंगे, समझ रहे हो? जैसे अगर तू मुझे बोलेगा, सर बताओ y इक्वल्स टू टेन एक्स या फिर पी एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स, इसके लिए बताओ, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 से π/4, इसके लिए हम लोग बातचीत करना चाह रहा हूं, मैं आपके साथ बातचीत कर सकता हूं? मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल करो। तो उसमें जैसे मान लेते तू मेरा इंटरव्यू ले रहा है ना, और तूने मुझसे पूछा ये रिलेशन क्या फंक्शन है या नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा हाँ इन एक्स की वैल्यूज के लिए ये एक फंक्शन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये दोनों ही क्राइटेरियाज जो ऊपर है ना हम लोगों ने अभी अभी डिस्कशन किए हैं वो है। इस पर फिर तुम और सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा तो आपका फंक्शन क्या ऑन टू है या इन टू है, ये तुम बिल्कुल पूछ सकते हो। तो क्या ये ऑन टू है? मैं कहूंगा हाँ ऑन टू है। फिर वो पूछेंगे आपका क्यों ऐसा मानना है कि ये ऑन टू फंक्शन है, तो मैं कहूंगा क्योंकि ऐसी कोई भी दो की वैल्यूज, दो ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स आप ढूंढ के बता दीजिए जिसके लिए आपको सेम वाई मिल रहा हो। मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बात पर, तो मैं उसमें आपको ग्राफ बना देता हूँ। इसका ग्राफ से तो आपको चीजें सामने दिखाई देंगी, है ना, ये ऐसा इसका कुछ ग्राफ है ना, 0 से π/4 के बीच में ऐसा। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि आपको कौन से ऐसे दो एक्स हैं जिस पर आपको सेम वाई मिल रहा है, तो फिर वो इंटरव्यूअर कुछ नहीं पूछेगा, हाँ यार इसको तो पता है ऑन टू क्या होता है, समझेगा? तो इसमें ऑन टू इन द सेंस की कैसा, जो अपना एक्चुअल में ऑन टू नहीं, उसको एक्चुअल में फिर वो वन वन और मैनी वन का डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में हो जाएगा। वो वन वन और मैनी वन क्या है ये चीज मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। यहाँ पर जैसे उसने तुमसे पूछा पहले कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो वो तो तुम बता लोगे ना कि ये फंक्शन है या नहीं है। यहाँ पर फंक्शन ये है, ये बात तो पक्की है। ऑन टू या इन टू है या नहीं है वो चीज तुम कैसे बता पाओगे? तो उसके लिए जैसे यहां देखो, अगर उसने उस फंक्शन को ऐसा अगर लिखा है, ठीक है क्या, जैसे tan x डिफाइंड है कहां से कहां, लेट्स से 0 से π/4
से उसने डिफाइन किया, मान लेते हैं लेट्स से 0 से 100, ऐसा। ये एक फंक्शन को इस प्रकार से ऐसा लिखा जाता है, समझ गए? ये लिखने की नोटेशन है फंक्शन को। कौन सा फंक्शन? ये कौन सा रिलेशन? ये। और जैसे फंक्शंस का अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है फंक्शन तो होगा ही, तभी उसको ऐसे डिस्क्राइब तुम कर रहे हो, लेकिन ऐसे किसी रिलेशन को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है, ये बात ध्यान में रखना। तो अभी मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि ये मेरे पास जो है ये फंक्शन है, तो फंक्शन यहाँ से यहाँ डिफाइंड है। तो दिस इज वॉट, ये तुमको सिखाया है कल। ये क्या है? ये तुम्हारा हो गया डोमेन। ऐसा कहाँ से कहाँ तक? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। जैसे फंक्शन अगर है तो उसमें जाहिर सी बात है परमिसिबल वैल्यूज के लिए ही तुम एक्चुअल में बातचीत कर रहे रहोगे, तो डोमेन उसको बोलोगे, समझ गए? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। लेकिन जैसे अगर रिलेशन रहता, रिलेशन, तो उसमें रिलेशन में एक्चुअल में कोई डोमेन वोमेन जैसी कोई चीज नहीं रहती है। सादा अगर कोई रिलेशन रहेगा, तो हम लोग अभी फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो उसमें ये मानकर चलूंगा कि मैं परमिसिबल वैल्यूज पर ही कैसा बातचीत हो रही है, तो उसमें फंक्शन है ये मानकर चलो तुम। तो ये उसका डोमेन हो गया। ये फिर क्या है? ये कोडोमेन है। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति मुझसे अभी पूछेगा अगर कि बताइए क्या ये ऑन टू है या इन टू है, ठीक है, ऑन टू है या इन टू है, तो मैं क्या देखूंगा? कोडोमेन कितना है मेरा? देखो कोडोमेन है मेरे पास कितना, 0 से 100 है। और रेंज देखो क्या है मेरे पास, रेंज है मेरे पास कितना है? ये है तुम्हारे पास y बराबर 0 और ये है तुम्हारे पास y बराबर 1। तो रेंज क्या है मेरे पास? 0 से 1 है। तो सिंस कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, मैं क्या बोलूंगा जो मेरा इंटरव्यू लेने आया है मेरे फंक्शन के बारे में, मैं उसको क्या बोलूंगा कि भाई ये चीज ऑन टू तो नहीं है, देयर फॉर नॉट ऑन टू, ऐसा। ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब दूसरे टर्म के ऊपर अपन आते हैं, ठीक है? तेरा डाउट क्या था वैसे, ये मेरे को एक बार बता ले एक बार और। फंक्शन के बारे में था, क्या था? हाँ, तो वो एक्चुअल में तुम अगर देखो जिन वैल्यूज ऑफ एक्स पर एक्चुअल में बातचीत हो रही है ना, उन वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए कहीं पर भी क्या कभी आउटपुट तुम्हारे पास इन्फिनिटी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। जैसे अगर इसी चीज को अगर मैं ऐसा कर देता कि चेक वेदर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट, ऐसा मान लेते हैं चेक, है ना, चेक वेदर दिस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट, ऐसा। पी एक्स बराबर मान लेते हैं टेन एक्स है, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस पाई से पाई, ऐसा ऐसा अगर मैं कर देता तब क्या होता? तब तू ये कहता अबे साले बीच में दो दो पॉइंट्स पर भोकाल मचा हुआ है। कौन कौन से दो पॉइंट्स पर? यहाँ देख, ये फिर देखना तुम्हारे पास ये कैसा है। ये हो गया माइनस पाई बाय टू, ये हो गया पाई बाय टू, ये हो गया पाई, ये हो गया माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, सॉरी, ठीक है। तो ये चीज अपने पास फिर कैसी आ जाएगी? ये कुछ ऐसा हो जाता, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ ऐसा, ठीक है क्या? और फिर आगे की गाड़ी तो तुम जानते ही हो कैसी बनती है, ये ऐसा, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा, और फिर ये ऐसा, है ना, ठीक है बात। तो ये मेरा ग्राफ हो गया रेडी, है ही नहीं? अब यहाँ पर देखो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पॉइंट्स पर दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये कैसा, इसको मैं क्या बोलूँ, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो, या फिर दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यूज ही नहीं आ रही, तो वैल्यूज ऑफ एक्स छूट गई है। तो ये फंक्शन तो है लेकिन माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पर फिर डिफाइंड नहीं है, ऐसा बोलोगे? लैंग्वेज जो होगी बात करने की, वो समझ रहे हो कैसी रहती है? फंक्शन के टर्म्स में ही एक्चुअल में बातचीत की जाती है पूरे मैथमेटिक्स में। तो जैसे इसको क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन तो है पर माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पर फिर डिफाइंड नहीं है, ऐसा। तो इस तरह की एक्चुअल में बातचीत तुम्हें बुक में लैंग्वेज में मिलेगी, बट ट्रू सेंस में क्या बोलना चाहिए फिर कि ये फंक्शन नहीं है? अगर कोई मुझे चेक करने को बोलेगा कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, तो मैं उसे बोलूंगा दिस इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पर तो मेरे को सेट ऑफ आउटपुट ही नहीं मिल रहा। तो मैं ऐसा कायदे से लिखूंगा फिर कि दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई बाई टू एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, है तो फिर मैं कहूंगा कि फंक्शन ही नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अब इस चीज से ऊपर उबर जाओ,
इस चीज से ऊपर उठ जाओ। अब कैसा, सब चीजों को फंक्शन मान मार कर ही काम एक्चुअल में करना, और उसमें बस तुम ये बोलना, बोलने की लैंग्वेज में कि भाई ये फंक्शन इन पॉइंट्स पर डिफाइंड नहीं है, ऐसा। समझ गए क्या? ये फंक्शन एक्चुअल में इस सेंस में, ये फंक्शन इस पॉइंट्स पर एक्चुअल में डिफाइंड नहीं है करके। जैसे अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो भी गलत नहीं बोल रहा है। देखो क्यों, ये फंक्शन तो है पूरा, देखो बस इसका कसूर क्या है बेचारे का, ये माइनस पाई बाय टू है, पाई बाय टू है, ये इस फंक्शन का कसूर हो गया ना, ऐसा। तो इन पॉइंट्स को अगर तुम हटा दो तो क्या ये फंक्शन नहीं है क्या? फंक्शन है। जैसे बस इन पॉइंट्स को अगर तुम हटा दो तो क्या ये फंक्शन नहीं है क्या? फिर फंक्शन है कि नहीं है? फंक्शन है, बिल्कुल है, बराबर है। तो उसमें लिखने की बुक की लैंग्वेज में कैसे रहता है कि इन पॉइंट्स को वो हटा देते हैं, समझे क्या? जैसे क्या बोलेंगे कि एफ एक्स फंक्शन है जैसे टेन एक्स, ऐसा, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, हटा देते हैं, ऐसा। ठीक है, इसको रीड कैसे करेंगे? एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसा, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स, ऐसा है ना, एक्सेप्ट फॉर, एक्सेप्ट फॉर दीज वैल्यूज, ऐसा बोलते हैं। तो तुम ऐसा मत करना कि जैसे अगर कोई चीज अगर तुमको दी हुई है तो उसमें नहीं दे तो फंक्शन ही नहीं है, इसको फंक्शन क्यों बोल रहा है? तो फंक्शन बोल सकते हैं ना भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं, बस उन वैल्यूज को तुम हटा दो, उन वैल्यूज पर बातचीत मत करो, ठीक है क्या? तो इस लैंग्वेज में स्विच हो जाओ। ऐसा मत करना कि जैसे मान लेते हैं लेट से सेक एक्स उठाया तुमने और तुम बोल रहे हो कि भाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पर तो ये चीज डिफाइंड ही नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है, ऐसा मत करियो। फंक्शन है वो, पर कुछ पॉइंट्स को छोड़ दो अगर तुम, तो फिर तो फंक्शन है ना, बराबर, ठीक है क्या? उन पॉइंट्स को अगर तुम छोड़ देते हो तो फिर तो फंक्शन बोल सकते हैं ना उसको। क्या बोल रहा हूँ कि मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या? हाँ, बीच में नहीं, यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं। उन एग्जाम्पल्स में मैंने उसको कंसिडरेशन में लिया था जहां जहां पे बीच में छेद आ जा रहा था, यहाँ पे उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जा रहा है स्पेसिफिकली। जैसे यहाँ पे देखो, जब मैंने कहा कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ये रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, 0 से π/4 से 0 से 100 तक डिफाइंड है, तो यहाँ मैं स्पेसिफिकली वो पाई बाय टू को हटा रहा हूँ, वो पाई बाय टू मेरा कोई कंसर्न नहीं है। तो यहाँ सारे एक्स के लिए मेरे पास आउटपुट आ रहा है, सारे एक्स के लिए डिफाइंड है, फाइनाइट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वहां पर मैंने क्या किया था, वहां पर ये वाली हरकत मचाई थी, जैसे जिन पॉइंट्स पर एक्चुअल में गड्ढा आ रहा था, छेद है, जो छूट जा रहे थे जो पॉइंट्स, तो अगर तुम ऐसे एक्स अगर उठा लोगे सेट ऑफ इनपुट में तो कुछ पॉइंट्स छूटेंगे ही नहीं छूटेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स छूट गए ना, तो इसका अगर तुम कल जैसे बना रहे थे वैसा अगर बनाओगे तो कैसा होगा? जैसे ये सेट ऑफ इनपुट है ऐसा, तो इसमें बताओ मेरे को पाई बाय टू पर या माइनस पाई बाय टू पर चीजें छूटेंगी नहीं छूटेंगी? बाकी सारे पॉइंट्स पर तो आउटपुट रहेगा। तो एक इसका अगर तुम बनाओगे तो कैसा बनेगा? देखो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, है ना, ऐसा कुछ बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा। उसमें देखो ग्राफ में देखो, खास बात ये है टेन एक्स की, कभी भी तुम्हें समान आउटपुट नहीं मिलेगा, ये दिख रहा है क्या? किन्हीं भी 2x की वैल्यूज के लिए समान आउटपुट नहीं मिलेगा। यही एक्चुअल हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्सेशन का। यहाँ देखो दिस पॉइंट्स आर लेफ्ट आउट, दिस पॉइंट्स आर लेफ्ट आउट, पॉइंट्स आर लेफ्ट आउट, ऐसा। तो उसमें फिर तुम क्या बोलोगे? दिस इज नॉट अ फंक्शन। पर अभी मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, अगर डेलिबरेटली ऐसा बोला जाए कि भाई इन एक्स की वैल्यूज को हटाकर ये फंक्शन है, तो कोई दिक्कत है क्या? मैं अभी क्या बोल रहा हूं, अभी मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, अभी मेरा आर्ग्यूमेंट है कि इन वैल्यूज ऑफ एक्स को हटाकर अगर तुम देखो तो क्या ये फंक्शन का डायग्राम नहीं है क्या? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी समझ रहे हो? ठीक है, अभी भी अगर किसी पॉइंट पर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताओ, उसमें कुछ ऐसा दिक्कत का है नहीं, और मेरे रूल्स वगैरह कैसा सॉलिड है एकदम, ठीक है क्या? रूल्स वगैरह मेरे सॉलिड है एकदम, बढ़िया,
रूल्स मेरे क्या सॉलिड है सर? रूल्स अगर लॉजिकली अगर तुमने अगर चीज़ों को किया है तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं उसको कंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान दोगे, बोलचाल की भाषा कैसी रहती है कि जैसे ये फट्टे वाले जो पॉइंट्स रहते हैं ना, ये फट्टे वाले पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हटाकर फिर बोला जाता है कि ये फंक्शन है, ठीक है ऐसा। तो ये तुम रेडी रहना इस चीज़ के लिए, और इनफैक्ट इसी लैंग्वेज में तुम आगे कन्वर्सेशन भी अपनी करोगे। तो उसमें जैसे अगर मैं बोलूंगा सेक एक्स, तो सेक एक्स अगर तू बोलेगा कि नहीं पता, फंक्शन ही नहीं है, तो बोलेगा हाँ भाई फंक्शन नहीं है, इन वैल्यूज को हटाकर तो ये फंक्शन है, एक्स की तू वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू मत ले, एक्स के है ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू तू मत ले, तब तो फंक्शन है। तो फिर तेरे को तो अपना मूसा बनाकर ये बोलना ही पड़ेगा, हाँ यार तब तो फिर फंक्शन है यार ये, ठीक है, क्योंकि हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए फिर बाकी तो बेचारा आउटपुट तो दे ही रहा है, और उसमें कोई भी ऐसे एक एक्स नहीं है जिस पर दो दो आउटपुट आ रहे हैं, तो फंक्शन है ये, तो इस बात को बोलने में क्या बुराई है। अच्छा तो यहां देखो, जो अगली बात मुझे तुम्हें बतानी है छोटी सी वो ये, उसके बाद फिर हम लोग खत्म करेंगे इस चीज को। इसमें ये सारी बातचीत तो हो चुकी वैसे अपनी, ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें एक तरह से ब्रीफ एक रिकॉल करवाया, ये सारी बातचीत वैसे अपनी हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें जो इंटरव्यूअर है वो अगर मान लेते हैं इस चीज के लिए अगर बात कर रहा है, इस रिलेशन के लिए अगर बात कर रहा है, तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है? एकदम है फंक्शन, क्योंकि हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए मुझे आउटपुट भी मिल रहा है, हर वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए मुझे आउटपुट मिल रहा है, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, ये सवाल है तो चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है, चेक वेदर दिस इज अ फंक्शन और नॉट। चेक वेदर दिस इज अ फंक्शन और नॉट, चेक करना है। तो ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन है ना, दिस इज अ फंक्शन बिकॉज फॉर ईच एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से π/4 वाई इज देयर एंड इट इज फाइनाइट, और दूसरी बात फॉर नो एक्स यू गेट टू और मोर देन टू वैल्यूज ऑफ वाई एक्स। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, चलो अभी मिनिमम डैमेज के साथ काम हो गया। अच्छा यहाँ देखो, यू गेट फॉर नो एक्स यू गेट टू है ना, टू और मोर देन टू वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है बात क्लियर है, थोड़ा हौच-पौच लिखा है लेकिन मेरे ख्याल में तुम बात समझ गए होगे। अच्छा अभी ये ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन है बट ऑन टू नहीं है, क्लियर है बातें यहां तक? तो किन एक्स के लिए बातचीत की जा रही है वो सवाल तुम्हें देगा। दूसरी बात, जो फंक्शन अगर कहीं पर लिखा हुआ अगर तुम्हें नजर आए कि ये फंक्शन है, पर ये तो साला बीच बीच में बहुत जगह पर है ना इन्फिनिट को भी अप्रोच कर रहा है, तो उन वैल्यूज ऑफ एक्स को कैसे हटाकर फिर बोला जाता है कि ये फंक्शन है, कि यहाँ यहाँ पर तो फड्डे हैं, इन पॉइंट्स को हटा दे उसके बाद तो फिर तो ये फंक्शन है ऐसा। हाँ बोलो, नहीं उस पे तुम्हें बुक की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, जैसे जब तुम बुक ओपन करोगे या फिर कभी कोई टेक्स्ट अगर तुम पढ़ोगे या फिर मुझे भी अगर बोलते हुए सुनोगे, तो मैं भी हमेशा फंक्शन फंक्शन ही बोलूंगा ना। जैसे लेट से मैं बोलूंगा कोसेक एक्स एक फंक्शन है, बट उसमें एक्स ये नहीं होना चाहिए ऐसा। तो जब फंक्शन वर्ड तुम सुनो तो उसमें तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ये अभी जो तुम पढ़ रहे हो कुछ नया पढ़ रहे हो करके,
कि ये यार ये तो कभी भी किसी को भी फंक्शन बोल देता है, फंक्शन पे तो अभी इतना कुछ बोल बच्चन दिया, सभी कुछ को ये फंक्शन ही बोल रहा है। तो उसमें जब कभी भी अगर जैसे मैं किसी चीज को अगर फंक्शन अगर बोलूंगा तो उसमें ऑब्वियसली उन चीजों को हटाकर तुम फिर फंक्शन बोलते हो जहां जहां पर वो चीज डिफाइंड नहीं है या फिर जहां जहां पर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखोगे अच्छा। लेकिन कभी भी तुम्हारे सामने कोई ऐसा सीन नहीं आएगा कि भाई अपन बोल रहे हो कि ये भी एक फंक्शन है करके और उसमें वो चीज क्या है कि एक वैल्यू ऑफ एक्स पर तुम्हारे पास दो दो आउटपुट आ रहे हैं। इस चीज को फिर फंक्शन नहीं बोलेंगे अपन, उसको फिर सादा एक रिलेशन बोलना चाहिए। तो फंक्शन बोलने का ये मतलब है, उसमें परम क्राइटेरिया तो ये है कि एक वैल्यू ऑफ एक्स पे दो वैल्यू या दो से ज्यादा आउटपुट नहीं आने चाहिए, ये तो उसका परम क्राइटेरिया है। जो दूसरी चीज है वो एक्चुअल में ऐसा मान लिया जाएगा कि उन वैल्यूज ऑफ एक्स को हटाकर ये बोल रहा है कि ये फंक्शन है करके। जैसे अगर मैं इसकी अगर बातचीत करूं, जैसे लेट से अगर तुम्हारे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल तुम ये कंसिडर करो वाई इक्वल्स टू रूट एक्स, ऐसा तो मान लेते हैं ये ऐसा मेरा बना हुआ है, ये चीज क्या है, फंक्शन है या नहीं है? तुम क्या बोलोगे? हाँ है, बिल्कुल है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसा ये बोलोगे बस ऐसा। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जो मैं बोल रहा हूं क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुम उसमें बस ये देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक वैल्यू ऑफ एक्स पर कसाला कहीं दो दो लाइन दो दो उसको आउटपुट मिल रहे हैं, ऐसा बस नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये चीज है, मान लेते हैं ए इज ग्रेटर देन 1, ऐसा है, ऐसा है। क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है, तो उसमें कैसे कमेंट करोगे? यस दिस इज अ फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ऐसा। क्लियर है बात? यस दिस इज अ फंक्शन, क्यों ऐसा? बिकॉज किसी भी एक वैल्यू ऑफ एक्स पर तुम्हारे पास दो वैल्यूज ऑफ वाई नहीं है, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज ऑफ वाई नहीं है। ये बहुत ही साधारण सी बात है, ये इस चीज से क्या एडजस्ट हो गए हो क्या? बहुत ही बेसिक सी बात की है मैंने, कोई ऐसा हाई पंडूच कुछ नहीं फोड़ा है। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ गई है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो दो तरह के फंक्शंस हो सकते हैं जिनका एक पहला कैटेगरी या तो कोडोमेन बराबर रेंज होगा या तो कोडोमेन बराबर रेंज नहीं होगा। अब एक दूसरा क्राइटेरिया देखो फंक्शंस को कैटेगराइज करने का, और वो ये, क्या तुम्हारे पास एटलीस्ट ऐसे किसी फंक्शन में अगर तुम्हारे पास ऐसा अगर कोई चीज अगर हो रही है जिसमें दो वैल्यूज ऑफ एक्स पर समान आउटपुट आ रहा है ना, ऐसा अगर कोई चीज अगर तुम्हारे साथ हुई है तो उस तरह के फंक्शंस को तुम कहते हो मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन है कि फॉर ईच एक्स यू आर गेटिंग है ना अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ वाई, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, है ना, नो टू एक्स हैव सेम वाई, तब उस तरह के फंक्शन को तुम कहते हो वन वन फंक्शन। ठीक है, तो उसमें इसका थोड़ा सा आइडिया ले लो, इसमें वन वन फंक्शन एक्चुअल में तुम किसको कहते हो? जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास है ना फॉर नो टू वैल्यूज ऑफ एक्स, टू और मोर वैल्यूज ऑफ एक्स, टू और मोर वैल्यूज ऑफ एक्स, टू और मोर वैल्यूज ऑफ इनपुट है ना, यू गेट सेम आउटपुट। इसका मतलब ये है एफ ऑफ एक्स वन, कभी अगर एफ ऑफ एक्स टू के अगर बराबर अगर हो गया, इसका मतलब क्या होगा? एक्स वन बराबर एक्स टू होना पड़ेगा, दिस इज क्राइटेरिया फॉर वन वन। समझे, ये एक तरीका है, ये एल्जेब्रिक मेथड है टू टेस्ट वन वन फंक्शन, मेथड टू टेस्ट वेदर अ फंक्शन इज वन वन और नॉट।
ये क्राइटेरिया है, ये बात ध्यान में रखो। तो इस क्राइटेरिया का मतलब थोड़ा समझते हैं अपन, कैसा है। जैसे एफ ऑफ एक्स वन, क्राइटेरिया पर मैं बात भी आ सकता हूँ वैसे, ठीक है। अभी क्राइटेरिया को थोड़ा मारते हैं, थोड़ा बैक सीट पर रखते हैं क्राइटेरिया, क्योंकि थोड़ा सा अभी तुम्हें हो सकता है वर्डिंग्स में तुम्हें थोड़ा सा भारी लगे। पहले उस चीज़ का मतलब समझ लो। जैसे अगर मान लेते हैं कोई तुम्हारे पास फंक्शन है, लेट्स से ऐसा कुछ, ये फंक्शन देखो ऐसा है, ये फंक्शन मान लेते हैं ऐसा है, सेट ऑफ इनपुट ये मेरे पास है, इसको ऐसा लिख लेते हैं सेट ऑफ इनपुट, ये मेरे पास सेट ऑफ आउटपुट, इसको नहीं लिखना चाहिए, इसको ऐसे ही रहने दो बस ऐसा। अच्छा अब देखो बताओ, ये ए पर ये एक्स है, बी पर ये वाई है, सी पर ये जेड है, और ये डब्ल्यू ऐसे ही छूटा पड़ा है। अच्छा तो इस चीज में क्या ऐसा तुम कहीं ढूंढ पा रहे हो कि दो अलग अलग इनपुट पर या दो से ज्यादा अलग अलग इनपुट पर तुम्हें समान वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल रहा है? ऐसा नहीं है। यहां देखो, जो अपने पास अलग अलग इनपुट है, अगर इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग है, ठीक है क्या? फॉर डिफरेंट आउटपुट्स, फॉर डिफरेंट इनपुट है ना, यू गेट डिफरेंट, यू गेट डिफरेंट आउटपुट, समझे गए? तो डिफरेंट इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट अगर आ रहा है ना, डिफरेंट इनपुट पे अगर डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, ये बात ध्यान में रखना कि इन दैट केस जो फंक्शन रहेगा तुम्हारे पास वो वन वन रहेगा। जैसे अगर ऐसा अगर हो गया, फॉर एनी टू वैल्यूज ऑफ इनपुट, टू और मोर वैल्यूज ऑफ इनपुट सेम आउटपुट अगर आ गया, तब फिर वो हो जाएगा मैनी वन, ये है वन वन। कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें समान आउटपुट मिल रहा हो दो अलग अलग इनपुट्स के लिए, है ना, ये बात ध्यान में रखना। तो ये चीज है तुम्हारे पास एक मैनी वन फंक्शन, ये सॉरी वन वन फंक्शन, वन वन एज द नेम इंप्लाइज, वन इनपुट वन आउटपुट, ऐसा समझेगा। इसका मतलब ही क्या होता है, वन इनपुट पे वन आउटपुट ऐसा। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि दो अलग अलग इनपुट के लिए तुम्हारे पास समान आउटपुट आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है वन वन फंक्शन में। वन टू वन रिलेशन का मतलब ही ये होता है कि एक का टाका एक ही के साथ फिट है, मतलब जैसे ये मियाँ ये बीवी ऐसा, ये अगेन हस्बैंड ये वाइफ, ये अगेन ये हस्बैंड ये वाइफ ऐसा टाइप ऐसा है ना। दो हस्बैंड दो आदमी एक ही बीवी शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, समझे गए? ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं होना कि दो अलग अलग इनपुट पे तुमको समान आउटपुट आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है क्या? एक मियाँ एक बीवी ऐसा वन वन, ठीक है, वन 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 टू वन मैपिंग, इसको बोलते हैं वन टू वन मैपिंग ऐसा, ठीक है। तो यहां पर तुम देखोगे, जैसे अगर तुम्हारे पास कोई इस तरह का अगर फोटो है, ऐसे लट से ऐसा अगर कुछ है कर्व, तो यहां तुम देखो दो अलग अलग इनपुट पर एक्स वन और एक्स टू पर देखो समान वाई आ रहा है, सेम वाई, सेम वाई। तो ये कैसा फंक्शन है, दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, ध्यान में रखो। अगर तुम्हारे पास इस तरह की चीज है, लेकिन ये किस तरह का फंक्शन है, यहां देखो ये किस तरीके का फंक्शन है, दिस इज अ वन वन फंक्शन, क्योंकि फॉर नो टू वैल्यूज ऑफ एक्स यू आर गेटिंग द सेम वाई, तो दिस इज अ वन वन फंक्शन। ये एक वन वन फंक्शन है, पर वहीं अगर मैं इसका ग्राफ अगर आगे अगर बढ़ा देता, अभी देखो ये बताओ ये कैसा फंक्शन है, आगे पीछे अगर थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड अगर कर दूंगा ना, ये ऐसा कर दिया मान लेते हैं, ये ऐसा कर दिया ऐसा,
अब ये देखो कैसा है, क्यों यहां देखो ऐसे ये है। अब देखो नहीं, दो तीन वैल्यूज ऑफ एक्स पे सेम वाई आ रहा है। हाँ एक ही वैल्यू पे साले आने लगे तो फिर तो फंक्शन ही नहीं है। बोलने में हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, ठीक है क्या, पर यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही वैल्यू ऑफ एक्स पर दो वैल्यूज आ रही है। ये मैं लिख देता हूँ प्रभु, है ना, फॉर वन एक्स है ना, नो टू और मोर देन टू, और मोर देन टू वैल्यूज ऑफ वाई। हाँ बोलो, एक मिनट, एक मिनट मेरे को लिख लेने दो, है तो हेंस दिस इज अ फंक्शन। अब जैसे अपन बोलेंगे ना कि फंक्शन है, तो उसमें बस यही क्राइटेरिया चेक किया करेंगे, एक्स वाला क्राइटेरिया अपने को चेक नहीं करना उसमें। ये बोलते वक्त अज्यूम कर लिया जाएगा कि अपन जिन एक्स के लिए फाइनाइट है, सब ओके है, कहीं लफड़ा नहीं है, कोई पंगा नहीं है, उन्हीं एक्स के लिए बातचीत ही कर रहे हैं, ऐसा मान लिया जाएगा। ध्यान में रखो, तो ऐसे एक्स के लिए जिसके लिए कोई लफड़ा है पंगा नहीं है, उसको फिर बोलते हैं सेट ऑफ, ऐसे एक्स को सेट ऑफ बोलते हैं हम डोमेन, ठीक है क्या। तो फ्रॉम नाउ ऑन वी विल टॉक विद रिस्पेक्ट टू डोमेन ऑफ द फंक्शन ओनली। तो ऐसा हमेशा माना जाएगा कि भाई एक्स में कहीं कोई पंगा कोई लफड़ा नहीं है, है ना, और वो कैसे एक्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो डोमेन से आ रहे हैं। समझ पा रहे हो बात मेरी, हेंस दिस इज अ फंक्शन। ऑल राइट, नाउ बट फॉर मोर देन टू वैल्यूज, बट फॉर टू, इनफैक्ट मोर देन टू, वैल्यूज ऑफ एक्स है ना, वी आर गेटिंग सेम वैल्यू ऑफ वाई। तो देयर फोर दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, ये बात ध्यान में रखनी है, ये एक मेनी वन फंक्शन है, ध्यान में रखना है। हाँ अभी बोलो क्या बोल रहे थे। ऊपर वाला ग्राफ भी, अबे साले, अच्छा अरे यार ये कैसा कांडिया हो गया मेरे साथ, ये भगवान, अच्छा हुआ ये पगलू ने, साले ने पहली बार को सही बात बोली, ठीक है क्या, ठीक है चलो, ये भी मैनी वन है, ये भी मैनी वन है। मैनी वन के लिए चेक कैसा करना है तुमको, ये तो मैंने फंक्शन वाली लाइन के लिए चेक जैसे करते वैसे कर दिया साला, हट यार, ठीक है साले, बाकी लोग सो रहे हो क्या बे। एक मिनट, तो ये यहाँ तुम देखो, ये अलग अलग वैल्यूज के लिए है ना, ठीक है क्या, सेम वाई आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मैनी वन हो गया। तो मैनी वन और वन वन चेक करना तो ऐसे दुनिया का सबसे आसान काम है। तो पहले मेरे को अब कैटेगराइज करके बताओगे कौन सी चीज क्या है, कैसी है, मतलब दो तरीके से कैटेगराइज तुमको करना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या। ठीक है, तो पहला वाला केस क्या है मेरे को बताओ, दो तरीकों से कैटेगराइज करना है, पहले ही बताना कि वन वन है कि मैनी वन है, उसके बाद बताना कि इन टू है कि ऑन टू है। ऐसा जैसे अगर किसी, अबे रुक तो जा बे, रुक जा, क्यों हड़बड़ी है इतनी। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे अगर तुमको कोई ट्रायंगल दिया जाए तो उसमें दो तरीके से उसको तुम कैटेगराइज कर सकते हो, एक तो साइड्स के बेसिस पर, एक तो एंगल्स के बेसिस पर। जैसे अगर तुम्हारा जो
ट्रायंगल है उसमें हर एंगल उसका जो है अलग अलग, हर जो साइड है अलग अलग लेंथ की है, तो स्केलिन हो गया। ये तो अपना नॉर्मल 6th 7th की मैथमेटिक्स है। तो अगर वो ऑब्ट्यूस, अगर उसमें एक भी एंगल अगर है, तो कैसे बोलोगे उसको, स्केलिन है ना, स्केलिन ऑब्ट्यूस ऐसा बोलोगे, या ऑब्ट्यूस स्केलिन जैसे भी तुम बोलो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी तुम्हें दोनों क्राइटेरिया, अच्छा पहली बात तो ये 1 1 many 1 का ऑन टू या इन टू से कोई लेना देना नहीं है, दोज टू आर इंडिपेंडेंट थिंग्स, ये बात ध्यान में रखना। एक फंक्शन 1 1 है या many 1 है तो वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ऑन टू हो या तो इन टू हो। तो टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज इससे कितनी बनती है तुम्हारे पास, टोटल कौन बताएगा, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज कितनी बनती है। अबे 1 1 के साथ 2 बनेंगे इन टू और ऑन टू, मैनी 1 के साथ फिर से 2 बनेंगे इन टू या ऑन टू, 4 बनेगी ना कैटेगरी, कैसे बकलो लो बे। तो यहां देखो पहला वाला बताओ मेरे को क्या है ना, उसको उसको नामकरण करो, उसका नामकरण जल्दी जल्दी, बस मैनी 1 और कुछ नहीं है, पूरा बोलना बे, सरनेम तो बताता ही नहीं तू। हाँ पूरा बोल आगे, प्रियांशु बताएगा ये। साले फुकाल पूरा तो बोल बे, ऑन टू दिख रहा साले तेरे को, ये नहीं दिख रहा थोड़ा, ये बड़ा सा, तो अबे दिमाग खराब, तुम कैसे अंधेरे हो बे एकदम, इससे आसान काम साले तुमको मिले है क्या कभी जिंदगी में। हाँ अगला बोलेगा, हाँ श्रेयन बाबू जय पाथ, सुबह से फॉर्म में है साला एकदम। हाँ कहाँ गया कनिष्क, हाँ बोल, अबे बोल, तुम क्यों है बे इंटू ऑन टू में साले क्यों लपड़े मार रहे हो, तुम मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इंटू कहाँ से दिख गया बे, छूटा हुआ है क्या साले कहीं कुछ है, क्या छूटा हुआ दिख रहा है तेरे को, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ दिख रहा है क्या साले, तो अभी परफेक्ट नहीं हो इस पे है, और चाहिए क्या थोड़े एग्जाम्पल, ऑन टू है ना बे, कुछ छूटा हुआ कहाँ है इसमें, छूटा हुआ तो है नहीं, काहे को इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी छोटी सी चीज में है? और दो चार बना लो तुम, दो चार के एक दो और दे देता हूँ, एक कनिष्ठ ने लोचा मारा है बस, ये प्रियांशु ने भी लोचा मार दिया था, तुम ही दोनों बताओगे सालों अब आगे के, इसमें कुछ थोड़ी है बे, तो ऐसे ही है टाइम पास। हाँ चलो पहला वाला कनिष्क बताएगा क्या है, ओ माय गॉड, अबे पहला वाला फंक्शन ही नहीं है बे साले, 1 से 2, अबे तू यार क्या कर रहा है यार है। प्रियांशु अगला वाला बता, ये वाला, ये फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, ये छूट गया ये, ठीक है अगला वाला कनिष्ठ बाबू बोलो, ये वाला फंक्शन नहीं है, कैसी कैसी बातें कर रहा है वे क्या बोल रहा है, अबे जॉइन है साले, मेरी ड्राइंग का मजाक उड़ा रहा है साले तू, जॉइन है भाई ये, जॉइन है ये देख, जॉइन है ये, हाँ बोल अब, हाँ मैनी 1 ऑन 2,
ठीक है, अगला बताओ प्रियांशु। अब सिग्गिया साला मजे ले रहा है। मैनी वन एंड टू, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, टाइप्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से हो गए, टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से हो गए। वन वन के साथ तुम्हारे दो फूटेंगे, हैं ऑन टू इनटू, और मैनी वन के साथ तुम्हारे दो फूटेंगे ऑन टू इनटू। क्लियर है? अच्छा, तो फोर टाइप्स हो गए, वन वन ऑन टू, वन वन इनटू, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इनटू। ये चार टाइप्स हो गए तुम्हारे पास, है ना। देयर कैन बी फोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, है ना, नेम्ड अबव। ये ध्यान में रखो। अच्छा, अब इसके बाद चार टाइप के फंक्शंस हो गए। इसमें अब अपन आते हैं इनवर्स के कंसेप्ट पर, समझ रहे हो। यहां पर जैसे अगर तुम्हें एक फंक्शन अगर निकालना है, लेट्स से अपने पास ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है मान लेते हैं, और ठीक है चलो अभी ऐसा सीन है अपने पास, एक ऐसा फंक्शन है देखो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर, या फिर ऐसा इसको करो कंसिडर, है ना, ये एक फंक्शन है कि नहीं है पहले तो ये बताओ। फंक्शन है या नहीं है? अबे फंक्शन है या नहीं है? है ना। यस दिस इज अ फंक्शन, यस दिस इज अ फंक्शन। किस प्रकार का फंक्शन है? टाइप और मैनी वन, आगे सरनेम क्या है इसका, ऑन टू, ऑन टू। अच्छा मैनी वन ऑन टू है। अब देखो अपने पास एक, अपने को टास्क दिया गया है कि अपने को एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें, अभी जैसे यहां पर देखो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इनपुट का x1 x2 और x3, यहाँ आउटपुट का नाम दे देते हैं y1 और y2। ऐसा अपने को एक टास्क दिया गया, आप एक ऐसा फंक्शन तैयार करो जो कि जब अभी मैं, जैसे ये मेरा फंक्शन है, ये मान लेते मेरा फंक्शन है f, समझे क्या, f मेरा फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? f नामक डब्बे में जब मैं इनपुट देता हूँ x1, तो आउटपुट क्या आता है, y1। जब मैं इनपुट देता हूँ लेट्स से x2 या फिर x3, तो आउटपुट क्या आता है, y2। यही है ना, ये डब्बा यही तो करता है। दिस डब्बा इज अ ब्लैक बॉक्स इन विच, है ना, इफ यू एंटर, है ना, इफ इफ x1 इज मेड टू एंटर दिस ब्लैक बॉक्स, व्हाट कम्स आउट इज y1, एंड इफ x1 एंड x3 एंटर दिस ब्लैक बॉक्स, दे कम आउट एज y2। ऐसा भेस बदल के देता है वो, डब्बे के अंदर कुछ जाता है आता कुछ और है। मेरे को एक ऐसा डब्बा बना के दो, क्रिएट अनदर डब्बा फॉर मी, है ना, सच दैट अगर मैं उसमें y1 एंटर करवाऊं तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, x1। अगर मैं उसमें y2 एंटर कराऊं तो उसमें मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए, x1 एंड x3। ऐसा क्रिएट अ डब्बा फॉर मी सच दैट दैट डब्बा इन्वॉल्व दैट डब्बा टेक्स इनपुट ऑफ y1 एंड गिव्स आउटपुट x1, एंड इफ दैट डब्बा टेक्स अ इनपुट ऑफ y2 देन दैट डब्बा गिव्स मी आउटपुट x1 एंड x3। अब इसकी अगर मैं तुम्हें शक्ल अगर दिखाऊंगा तो देखो एक बेसिक, एक फंडामेंटल फ्लॉ तुमको नजर आ रहा है, एक फंडामेंटल फ्लॉ नजर आ रहा है। वी इंटेंड टू क्रिएट, वी इंटेंड टू क्रिएट
अ फंक्शन सच दैट इफ आउटपुट है ना इज इनपुट देन है ना आउटपुट ऑफ दैट फंक्शन इज प्रायर इनपुट। इसका देखो मतलब क्या है, अगर इनपुट क्या है, इनपुट उस फंक्शन का क्या है, जैसे एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में है ना, अगर मेरा एक इनपुट है x1 और आउटपुट आ रहा है y1, तो मुझे एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें अगर मैं इनपुट अगर डालू y1 तो आउटपुट क्या आना चाहिए, x1। ठीक है क्या? सच दैट इफ आउटपुट इज इनपुट, ठीक है क्या, सच दैट है ना वी नीड टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर, इसको ऐसा लिखो लैंग्वेज में, वरना ये अंग्रेजी भाषा में कैसा तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, या कोई भी और जो इसको देखेगा उसके लिए भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वी इंटेंड टू क्रिएट अ फंक्शन है ना जी सच दैट जी है ना वी इंटेंड टू क्रिएट अ फंक्शन जी एक्स फॉर एफ एक्स। किसके लिए अपन क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एफ एक्स, फॉर एफ एक्स सच दैट जी ऑफ वाई वन है ना अपने पास कितना आ जाए x1, जी ऑफ वाई टू अपने पास कितना आ जाए x1, जी ऑफ वाई टू अपने पास आ जाए x3, ऐसा ये अपन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। गिवन है अपने को एफ ऑफ एक्स वन कितना है, y1, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ x3 दोनों कितना है अपने पास y2, ऐसा ये तो अपने को गिवन है। तो हम लोग क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वी इंटेंड टू क्रिएट अ फंक्शन जी एक्स है ना फॉर एफ एक्स सच दैट अगर जो इसका आउटपुट है, एफ का जो आउटपुट है वो अगर इसमें इनपुट अगर तुम डालोगे तो तुमको जो आउटपुट मिलेगा है ना वो इसका इनपुट होगा, ऐसा उल्टा उल्टा हो जाए बस। ये बात समझ में आ रही है, ऐसा फंक्शन अपने को क्रिएट करना है सच दैट कि उसमें जब अपन इसका आउटपुट डालें तो अपने को इसमें जो इनपुट डाले थे वो मिल जाना चाहिए, फिर अपने को रिवर्स करके दे दे वो, ऐसा काम। क्या बात तुम्हारे समझ में आ रही है, अपने को एक ऐसा फंक्शन बनाना है। यहां देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं अपने पास, मान लेते हैं ऐसा ये x1 है, ये x1 है, यहाँ है y1 है, f फंक्शन है, तो f ऑफ x1 अपन क्या लिखेंगे, बराबर y1 लिखेंगे। अब अपने को एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिसमें तुम्हारे पास है ना इसका जो रिक्वायर्ड फंक्शन है वो कैसा बनेगा, देखो रिक्वायर्ड फंक्शन इसके लिए कैसा बनेगा, ऐसा अगर मैं उसमें y1 इनपुट अगर डालूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, x1। इस फंक्शन को मैं बोल रहा हूँ जी, इस फंक्शन को मैं बोल रहा हूँ जी फंक्शन, ऐसा। क्या ये समझ में आ गई ये बात, क्या ये बात समझ में आ गई है, ये ऐसा फंक्शन मेरे को बना के देना है, क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर इनपुट डालोगे उसमें y1 तो वो कैसा मिलना चाहिए तुम्हें, x1 आउटपुट उसका आना चाहिए, जी ऑफ y1 बराबर x1 ये आना चाहिए अपने पास। वी नीड टू फाइंड, वी इंटेंड टू फाइंड जी, वी इंटेंड टू फाइंड जी, जी क्या होगा, जी ऑफ एक्स क्या होगा, ये अपने को निकालना है। क्या ये बात समझ में आ रही है, करना क्या चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो करना कुछ भी नहीं है इसमें, बस इसको उलट दो, करना क्या है, जैसे अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कंसिडर दिस एग्जाम्पल, जैसे ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो ये वाला तुम्हारा है फंक्शन एफ, तो जी फंक्शन कैसा होगा, बस ये ऐसा इसको उलट दो, हो गया जी फंक्शन हो जाएगा तुम्हारे पास, नहीं हो जाएगा, ये जी फंक्शन हो गया। जैसे ये अगर तुम्हारे पास है x1, ये है x2, ये है y1, ये है y2, तो f ऑफ x1 तुम क्या बोलोगे, y1 है,
एफ ऑफ एक्स टू तुम क्या बोलोगे, वाई टू है, जी ऑफ वाई वन तुम क्या बोलोगे, एक्स वन है, और जी ऑफ वाई टू तुम क्या बोलोगे, एक्स टू है। हो गया खत्म। जी फंक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया? जी फंक्शन अगर तुम बनाओगे सेपरेटली तो कैसे बनाओगे, दिस विल बी द जी फंक्शन। वाई वन और वाई टू को इनपुट रखो, आउटपुट क्या रखोगे, एक्स वन और एक्स टू। ऐसा हो गया, जी फंक्शन आ गया तुम्हारे पास। ये तुम्हारा जी फंक्शन हो गया, ये तुम्हारा जी फंक्शन हो गया। जी वाई वन बराबर एक्स वन और जी वाई टू बराबर एक्स टू है। क्या बात तुम्हारे समझ में आ रही है? जी फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है? अरे अब मेरे को बताओ कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स में। हाँ मैं कुछ तुम्हें छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करके बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करो, जैसे लेट्स से तुम्हारे पास ये एक फंक्शन है ना, एफ वन पर आउटपुट आता है ए, वन पर आउटपुट आता है ए, टू पर आउटपुट आता है बी, ऐसा। ये तुम्हारा एफ फंक्शन है, ये एफ फंक्शन है, ऐसा। अब इसके लिए जी फंक्शन कैसे क्रिएट करोगे, क्रिएट क्रिएट जी फंक्शन, क्रिएट जी एक्स सच दैट आउटपुट ऑफ एफ इज इट्स इनपुट एंड इनपुट ऑफ एफ इज इट्स आउटपुट। इंग्लिश में एकदम सही लिखा हुआ है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है इसमें? एक ऐसा फंक्शन बनाओ जी सच दैट जो आउटपुट है एफ का वो उसका इनपुट हो, और जो इनपुट है एफ का वो उसका आउटपुट हो, ऐसा। तो वी विल क्रिएट जी एक्स लाइक दिस। सॉल्यूशन कैसे बना लेंगे, ए पे वन यही चाहिए ना बस, और क्या चाहिए, बी पे टू। हो गया खत्म, दिस इज माई जी फंक्शन। जी हो गया कि नहीं हो गया? अभी क्या था अपने पास, देखो एफ ऑफ वन बराबर ए था, एफ ऑफ टू बराबर बी था। तो यहां देखो जी ऑफ ए मैंने क्या क्रिएट कर लिया, वन हो गया, जी ऑफ बी क्या हो गया, टू हो गया। कितना बढ़िया, हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर यहां देखो अगला एग्जाम्पल, मान लेते हैं तुम्हारे पास ऐसा एक फंक्शन है एफ, एक्स पे आउटपुट है ए, वाई पे आउटपुट है बी, और जेड पे आउटपुट है सी, ऐसा। नाउ क्रिएट जी एक्स सिमिलर कंडीशंस एज अबव। क्रिएट करो, अभी कैसे क्रिएट करोगे? हो गया, बस सिंपल है। क्या करना है, बस उलट ही तो देना है। ए पे रखोगे वन एक्स, बी पे रखोगे वाई, सी पे रखोगे जेड। हो गया खत्म, ये जी फंक्शन बन गया। हो गया कि नहीं हो गया, जी एक्स हैज बिन क्रिएटेड। हो गया खत्म। अभी देखो जो जी एक्स फंक्शन है वो एक्चुअल में इनवर्स फंक्शन कहलाता है, इनवर्स, समझ रहे हो, इनवर्स फंक्शन बोलते हैं उसको। तो जी एक्स इज एक्चुअली डिनोटेड बाय, है ना, जी एक्स इज एक्चुअली डिनोटेड बाय, नोटेशन तुम्हें पता होना चाहिए, जी इज एक्चुअली डिनोटेड बाय एफ इनवर्स, ऐसा। एफ के ऊपर एक माइनस वन ऐसा लगा देते हैं, समझ पा रहे हो? तो एक्चुअल में जैसे एफ एक्स अगर है वाई के बराबर, तो एफ इनवर्स अगर वाई अगर तुम उसमें इनपुट डालोगे तो तुमको मिलेगा आउटपुट ही ऐसा, ठीक है क्या? आउटपुट ये इनपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट ऑफ इनपुट फॉर एक्स, आउटपुट फॉर वाई, और ये क्या है, इनपुट फॉर जी, ये हो गया आउटपुट फॉर जी, ऐसा।
फॉर एफ इनवर्स, जी मत बोलो, एफ इनवर्स बोलो, ऐसा क्लियर है। तो मेरा इसमें यह बोलना है कि क्या हमेशा किसी फंक्शन को इनवर्स किया जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्यों नहीं किया जा सकता है? देखो उसका बट ऑब्वियस ये एक रीजन है, जब भी तुम किसी फंक्शन को उल्टोगे देखो दिक्कत कैसी आ जाएगी। इफ दिस फंक्शन इज नाउ इन्वर्टेड, इफ जी इज क्रिएटेड है ना, देन इट विल लुक लाइक दिस। ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा जी बताओ? y1 पे क्या आ रहा है? x1, और y2 पर क्या आ रहा है? x2 और x3 आ रहा है। क्या फंक्शन है? क्या यही आ रहा है ना? जी वाई वन पे अपना एक्स वन है, ये तो ठीक है, जी वाई टू पे भी एक्स वन आ रहा है और जी वाई टू पे है ना, ठीक है, जी वाई टू पे क्या आ रहा है? एक्स टू भी आ रहा है, जी वाई टू पे एक्स थ्री भी आ रहा है। ये ऐसा ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी वाई टू पे है ना, अच्छा ये एक्स वन है क्या? ओके ओके, जी वाई टू पे एक्स वन भी आ रहा है, जी वाई टू पे एक्स थ्री भी आ रहा है, तो ये ऐसा है, ठीक ही लिखा था मैंने पहले। क्या ये फंक्शन है? क्या है ना, ये तो फंक्शन नहीं है क्योंकि एक वैल्यू पे देखो दो दो आउटपुट आ रहे हैं। क्या फंक्शन है? ये बात समझ रहे हो दिक्कत कहाँ आ रही है करके? ये बात समझ में आ रही है क्या दिक्कत आ जाएगी करके? अगर इन्वर्ट करने अगर इसको जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी करके? ये रिवर्स में तो फंक्शन नहीं है ना, रिवर्स में फंक्शन थोड़ी है। जैसे देखो और तुमको बताते हैं, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, दिस जी इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन बिकॉज फॉर वन इनपुट है ना, देयर आर टू आउटपुट्स। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? नहीं बन सकता, ठीक है, क्या इसीलिए नहीं बन सकता? बिकॉज अगर तुमने ध्यान दो है ना, कंडीशंस फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल वो क्या होंगी? वो होगा एक तो उसको वन वन होना पड़ेगा और दूसरा उसको ऑन टू होना पड़ेगा, ये दो उसकी परम कंडीशंस हैं, तभी वो कैसा इन्वर्ट तुम उसको कर सकते हो। बहुत ही ऑब्वियस है क्यों ऐसा? जैसे अगर मान लेते हैं एक फंक्शन अगर वन वन नहीं है, कंसिडर अ मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, तो दो केसेस उसमें पॉसिबल है, केस वन मैनी वन ऑन टू, केस टू मैनी वन इन टू, दो केसेस उसमें पॉसिबल है। लेट्स से मैनी वन तुमने लिया और ऑन टू है, ऐसा ऑन टू ऐसा रिवर्स करने जाओगे ना, एफ हुआ ये जी, जी जैसी उसका बनाने जाओगे तो जी इज नॉट डिफाइंड, जी इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन बिकॉज वन इनपुट है ना, वन इनपुट विल हैव टू आउटपुट, टू और मोर देन टू आउटपुट। ये दिख रहा है रिवर्स में ऐसा अगर तुम बनाओगे तो इसमें वो घुस जाएगा, वो गड़बड़ी हो जाएगी। तो मैनी वन, तो मैनी वन ऑन टू तो नहीं चलेगा, मैनी वन इन टू अगर है तब तो साला परेशानी इतनी बढ़ जाएगी पागल ही हो जाओगे। यहाँ देखो मैनी वन भी है और इन टू भी है, ये देखो। अब जब तुम है ना, ये एफ है ये जी है, एफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, जी में दिक्कत आ जाएगी, या फिर मैं कहूँ एफ इनवर्स में दिक्कत आ जाएगी, एफ इनवर्स इसको बोलो, एफ इनवर्स में दिक्कत आ जाएगी। एफ इनवर्स में क्या दिक्कत आएगी? एफ इनवर्स इस केस के लिए
इज नॉट डिफाइंड, एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा लिखो, इज नॉट अ फंक्शन, एफ इनवर्स इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज ऑफ टू रीजंस, और दोनों ही रीजन उसमें वो वाले हो जाएंगे जो फंक्शन को अनडिफाइंड करने के लिए चाहिए है। पहला रीजन क्या हो गया, 1x टू मोर देन 2y, दूसरा कि x विल बी लेफ्ट आउट, x विल बी है ना फॉर वन और मोर x, एफ एक्स नॉट डिफाइंड, क्या बातें दिख रही है, क्या ये बातें दिख रही है तुमको, है ना। दो दो पंगे आ जाएंगे इसमें, तो दो दो पंगे, तो दोनों पंगों को कैसे हटाना पड़ेगा, मैनी वन तो नॉट पॉसिबल। अब वन वन पे आते हैं, यहां देखो, तो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड, पहला तो ये लिख देते हैं, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट मैनी वन है ना, मैनी वन ऑन टू एंड मैनी वन इन टू बोथ और अनफेवरेबल फॉर इनवर्स फंक्शंस, बोथ आर अनफेवरेबल, ठीक है क्या, फॉर क्रिएटिंग है ना इनवर्स फंक्शन, दैट इज मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इन टू फंक्शंस कांट बी इन्वर्टेड, ये बात पक्की है। दैट इज मैनी वन फंक्शंस आर नॉन इन्वर्टिबल, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, मैनी वन फंक्शंस आर नॉन इन्वर्टिबल, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ 100% दावे के साथ, मैनी वन तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। क्या वन वन का दो केसेस जो बनते हैं उस पर भी एक एक करके बातचीत कर लेते हैं, केस थ्री तुम्हारे पास क्या बन रहा है उसमें, ऐसा कंसिडर करो, कंसिडर वन वन फंक्शंस, तो उसमें अगेन तुम्हारे पास दो केस बनेगा, केस वन 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 ऑन टू, दूसरा केस तुम्हारे पास बनेगा वन वन इन टू, ये दो केसेस अगेन बनेंगे तुम्हारे पास, वन वन ऑन टू और वन वन इन टू। अब मेरे को बताओ वन वन ऑन टू में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसा है ये, ऐसा ऐसा है, तो ये एफ ये जी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एफ एफ इनवर्स इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या, एफ इनवर्स विल बी डिफाइंड, एफ इनवर्स एग्जिस्ट्स, ऐसा लिखो बस, एफ इनवर्स एग्जिस्ट्स, ठीक है क्या। पर यहां पर दिक्कत हो जाएगी वन वन इन टू में, वन वन इन टू में कैसी दिक्कत हो जाएगी, ये मान लेते हैं यहां पर एक छूटा हुआ है, तो अब बोलो एफ तो ठीक है, एफ इनवर्स जब डिफाइन करोगे तब दिक्कत आ जाएगी, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट है ना, बिकॉज वन और मोर वैल्यूज ऑफ एक्स, मोर वैल्यूज ऑफ एक्स है ना, बिकॉज फॉर वन और मोर वैल्यूज ऑफ एक्स एफ एक्स इज अनडिफाइंड, यहां तुम्हारा यहां तुम घुस गए, ठीक है क्या, तो एफ इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, तो है ना, तो फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड दैट ओनली वन वन ऑन टू फंक्शंस
आर इनवर्टिबल। वन वन ऑन टू फंक्शंस आर इनवर्टिबल। एक सेकंड यार, आंख में कुछ चला गया मेरे। ठीक है, वन वन ऑन टू फंक्शंस ही इनवर्टिबल फंक्शंस होते हैं। दिस इज अवर कंक्लूजन, है ना, दिस इज अवर कंक्लूजन। ये बात ध्यान में रखिए, यही हम लोगों का कंक्लूजन है। क्लियर है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास एक सादा सा एक फंक्शन अगर मैं बता दूं, लेट्स से कंसीडर एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लेते हैं मैं बोलता हूं एक्स प्लस टू है, तो फाइंड एफ इनवर्स। ये क्या होगा, है ना, ये क्या होगा, ये आप निकालिए। तो इसको कैसे निकाल सकते हो तुम, इसको बोल दो वाई बराबर एक्स प्लस टू है। एक्स कितना हो गया तुम्हारे पास, एक्स हो गया वाई माइनस टू। अब एक्चुअल में वाई इक्वल्स टू एफ एक्स हम लोग कंसिडर करते हैं, तो एक्स क्या है मेरे पास, एफ इनवर्स वाई है कि नहीं है। तो इस चीज को जैसे ही मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा, देखो क्या निकला पड़ा मेरे पास, एफ इनवर्स वाई बराबर वाई माइनस टू है। तो आ गया ना मेरे पास इनवर्स फंक्शन, समझे गए। तो ये जो अंदर जो वेरिएबल जाता है वो तो डमी वेरिएबल रहता है वैसे भी, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देयर फोर इनवर्स फंक्शन विल बी वॉट, एक्स एक्स माइनस टू। ऐसा अंदर तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ना, एफ इनवर्स एम भी लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स एन एन भी लिख सकता हूँ, एफ इनवर्स एम बोल देता हूँ इसको, एम माइनस टू। ये हो गया मेरे पास इनवर्स फंक्शन, आ गया मेरे पास अंदर, तो वो डमी वेरिएबल है, को मतलब थोड़ी उसका। जैसे देखो मैं बताता हूँ, मान लेते हैं एक्स प्लस टू है ना, इनपुट डाल रहे हो तुम, ये ऐसा मेरा फंक्शन है एफ। एफ क्या है मेरे पास, एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स प्लस टू है। ऐसा तो अंदर जो तुम इनपुट डाल रहे हो, मान लेते एक दो, ऐसा तो आउटपुट क्या आ रहा है, देखो धाए धाए आउटपुट कैसा आ रहा है तुम्हारे पास, कितना कितना आएगा, तीन, है ना, तीन और क्या आएगा, चार। ऐसा तो देखो एफ इनवर्स में कैसे डालोगे तुम, एक्स की कोई वैल्यू है क्या, एक्स की तो कोई वैल्यू नहीं है, एफ एम बराबर एम प्लस टू लिख दो, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ ये देखोगे, जैसे एफ इनवर्स में अगर तुम लिखो, यहाँ पर एफ इनवर्स अपन ने क्या बनाया, देखो एफ इनवर्स एक्स बराबर अपन ने क्या बनाया, एक्स माइनस टू, ऐसे ही बनाया ना। तो यहाँ देखो अगर तुम इनपुट डालोगे तीन, इनपुट डालोगे चार, तो आउटपुट क्या आएगा, देखो तुम्हारे पास है आउटपुट क्या आएगा, एक, आउटपुट क्या आएगा, देखो कितना आ रहा है, दो, है ना, आ रहा कि नहीं आ रहा है। एफ इनवर्स जो तुमने बनाया ऐसा ही है, उसमें ये अंदर क्या जाता है वो तो डमी वेरिएबल है वैसे भी, ठीक है। तो ये इस नोटेशन में ऐसा लाकर उसमें y की जगह x रख देना, तो दिस इज इनवर्स फंक्शन, दिस इज आल्सो इनवर्स फंक्शन, है ना, ये भी करेक्ट है। कुछ और लिखना है तो और लिख लो, f इनवर्स z बराबर, ऐसा भी लिख सकते हो z माइनस टू। पर इसमें ये दोनों x x देखकर चौंक मत जाना कि ये x तो ये भी वही है या फिर ये भी वही, ये दोनों सेम x नहीं है, ये तो डमी वेरिएबल है तुम्हारा, उसका तुम्हें करना भी क्या है, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन अगर तुमको निकालना होगा तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो कि पहले एक्सप्रेस करो वाई को एक्स के टर्म्स में, देन राइट सॉरी एक्स को वाई के टर्म्स में, देन राइट एक्स एज एफ इनवर्स वाई, ऐसा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं तुमको ऐसा दिया जाता इनवर्स निकालने का, वैसे ये सब अभी हम लोग का टॉपिक नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा अगर हमें बता दिया जाए, एफ एक्स बराबर आप कंसिडर करिए एक्स माइनस थ्री बाई टू, फाइंड है ना एफ इनवर्स एक्स, ऐसा। तो इसका मतलब क्या है, क्या करोगे, लेट वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स माइनस थ्री बाय टू, ऐसा हो गया। तो इससे एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एक्स आ जाएगा टू वाई प्लस थ्री, दैट इज एफ इनवर्स कैसा है तुम्हारे पास, एफ इनवर्स एक्स है ना ये वाई, ठीक है। इनवर्स की डेफिनेशन से भाई अगर एक्स डालोगे तो वाई आएगा, तो इनवर्स की डेफिनेशन से एक्स डालोगे तो वाई आना चाहिए। इस नोटेशन का अगर तुम यहाँ इस्तेमाल अगर करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास,
एफ इनवर्स कहाँ गया हो, एफ इनवर्स वाई, उल्टा लिख दियो, ऐसा एक्स की जगह अगर तुम एफ इनवर्स वाई अगर पुटअप करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, 2y+3 आएगा, नहीं आएगा, बस हो गया, दिस इज अवर इनवर्स फंक्शन, दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन, है कि नहीं है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 2x+3, दिस इज द आंसर उसकी लैंग्वेज में। उसको एफ इनवर्स एक्स चाहिए था ना, एफ इनवर्स जेड चाहिए रहता तो कैसे आंसर दे देते, 2z+3, ठीक है क्या? फंक्शन का नेचर इंपॉर्टेंट है ना, 2 टाइम्स इनपुट, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स इनपुट बराबर ट्वाइस ऑफ इनपुट प्लस थ्री, ये लिखा ही है। इस नेचर पे ध्यान दो, वो एक्स यूज हो रहा है कि वाई यूज हो रहा है उस पर ज्यादा मत चमकना, समझ गए, दिस इज एक्चुअली योर आंसर, आंसर तो ये होना चाहिए। चलो खैर, अब वो एफ इनवर्स एक्स मांग रहा है तो अपन एक्स के टर्म्स में दे देते हैं आंसर, अगर वो एफ इनवर्स वाई मांग रहा होता तो अपन एफ इनवर्स वाई दे देते, अगर वो एफ इनवर्स एम मांग रहा है तो अपन एफ इनवर्स एम दे देंगे, एफ इनवर्स एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी जो भी वो बोले अपन वो दे देंगे, ठीक है। पर आंसर तो ये है, आंसर तो ये निकल गया है, ये दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ये बात ध्यान में रखिए, ये है ना अपना आंसर तो ये है, समझ गए, ये ध्यान में रखना अपने को, क्या बातें भेजे में घुस रही हैं, इनवर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। इनवर्स होने के लिए क्या जरूरी, 1 1 on 2 होना जरूरी, क्या ये बातें घुस रही हैं भेजे में, अबे अबे क्या ये बातें घुस रही है क्या भेजे में, ठीक है। अभी एक और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से देखोगे इसको, ग्राफ्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू लाइन वाई बराबर एक्स, ऐसा क्यों होता है देखो जरा, जैसे होगा क्या, ए कॉमा बी अगर लाई करता है, लेट ए कॉमा ऑन एफ एक्स, देन होगा क्या, इससे बी कॉमा ए मस्ट लाई ऑन एफ इनवर्स एक्स, होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा, ए अगर इनपुट देते हैं तो बी आता है एफ एक्स के कर्व में, तो एफ इनवर्स एक्स के कर्व में क्या होगा, बी अगर इनपुट दोगे तो आउटपुट क्या आएगा, ए, बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ डेफिनेशन। अबे क्लियर है क्या, ये बात समझ में आ रही है, पहले ये बताओ जल्दी, अबे 1,2 अगर एफ एक्स के कर्व में है तो 2,1 एफ इनवर्स एक्स के कर्व में नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूं, जैसे फोटू है तुम्हारी ऐसी, मान लेते हैं एफ एक्स की फोटू है कुछ, है ना, एफ एक्स की फोटू मान लेते हैं कुछ है, ये ए कॉमा बी है, तो बी कहाँ पर होगा, जैसे मान लेते हैं ये ए है ना, ये ए ये बी, ऐसा ये हो गया ए कॉमा बी, तो जो बी कॉमा ए है वो किधर पर होगा, वो देखो इधर पर होगा, जैसे इसको मैं अगर तुमको बताऊं, तुम इसको ज्योमेट्रिकली वैसे प्रूफ कर सकते हो, करना भी ट्राई, जैसे तुम्हारे पास जैसे ये है ना, अगर ये बना लो एक, पहले तो वाई बराबर एक्स बना लो दाएं से, वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन खींच ली, अभी जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल देकर अगर तुमको बताऊं, जैसे मान लेते हैं ये है 2,1, तो 1,2 कहाँ पर होगा जानते हो, ये देखो ये ऐसा, इसकी मिरर इमेज जो होगी ये है 1,2, ये बात प्रूफ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मिरर इमेज ऑफ ए कॉमा बी इन द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स इज बी कॉमा ए, क्या बात प्रूफ कर सकते हो क्या, अबे कैसे भोकाल पंडित हो बे, कर लोगे नहीं कर लोगे सालो, वाई इक्वल्स टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज अगर तुमको खींचनी है तो कैसे करोगे, जैसे अगर तुमको बोले ना ये देखो जैसे 1,1 है, जैसे 1,1 छोड़ो वो तो मिरर पे ही आ गया, जैसे मान लेते 3,2 अगर मैं बोलूँ, लेट्स से 3,2 कहाँ पर होगा, देखो यहाँ पर कहीं पर है 3,2, तो ये जो है ना ये इधर ये ऐसा, ये आएगा तुम्हारे पास 2,3 आएगा, ये ऐसा होगा कुछ,
बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? मिरर इमेज जो रहेगी 3,2 की अबाउट द लाइन वाई इक्वल्स टू एक्स, वो रहेगी 2,3। ठीक है, ये ध्यान में रखियो। तो मिरर इमेज है ना, प्रूव करने का ट्राई करना, मिरर इमेज ऑफ ए कॉमा बी इन द लाइन वाई बराबर एक्स इज बी कॉमा ए। ठीक है क्या? ये बात प्रूव करने की, ट्राई टू प्रूव, दिस इज योर होमवर्क, ट्राई टू प्रूव इट। ठीक है, ट्राई टू प्रूव, प्रूफ करने का ट्राई करना। तो मेरा बस पॉइंट ये है, क्योंकि अभी क्लास खत्म हो गई है, वरना मैं प्रूफ करके भी दिखाता तुमको, तो थोड़ा सा भी मैं क्विकली इसको ओवर करूंगा। यहाँ देखो, जैसे अगर 42 है तुम्हारे पास, ऐसी ध्यान दोगे, 42 है मान लेते हैं ऐसी, वाई बराबर एक्स, ये लाइन ठहरी, ये लाइन ठहरी वाई बराबर एक्स, मान लेते हैं ऐसा है। और लेट से एफ एक्स तुमको दिया हुआ है यूं कुछ ऐसा, मान लेते ग्रीन पेन से बना लेते हैं, लेट से ठीक है चलो, ग्रीन और येल्लो दो ही ऑप्शन है मेरे पास। रेड पेन से साले को ये बनाओ पहले, वाई बराबर एक्स है ना, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। मान लेते ये लाइन है वाई इक्वल्स टू एक्स, ये ऐसा, ये लाइन ठहरी वाई इक्वल्स टू एक्स। अब मान लेते एफ एक्स की फोटो तुमको दी हुई है कुछ ऐसी, इस प्रकार से, ये मान लेते हैं वाई इक्वल्स टू एफ एक्स है। तो एफ इनवर्स की फोटो कैसे बनाओगे? वाई इक्वल्स टू एक्स के अबाउट एकदम सिमेट्रिक निकालना, एकदम मस्त, एकदम छमिए समान, एकदम मस्त बढ़िया। ये देखो यहाँ पर, एक सेकंड ना, इसको मैं थोड़ा सा सरका लेता हूँ भाई यार। ठीक है, ये चलो अच्छा ही हो गया, जैसे ये है ऐसा। तो एफ इनवर्स एक्स की फोटो कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर एकदम सिमेट्री है, ऐसा निकालना, ये एकदम सिमेट्रिकल है ऐसा, थोड़ा ज़्यादा हो गया इधर, इसको ऐसा कर लो, ये ऐसा, ये एकदम मस्त से चला 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 चला, ये ऐसा। ठीक है, ये क्या है? वाई इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स है, ध्यान रखो। ठीक है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट है ना वाई इक्वल्स टू एक्स, ध्यान रखना, समझ रहे हो? जैसे अगर मान लेते किसी ने बोला साइन इनवर्स एक्स निकालो, कैसे निकालोगे? यहां पर देखो, साइन एक्स इज 1,1 फॉर माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, है ना, पूरे के लिए 1,1 नहीं है वो, इस पर्टिकुलर सेट के लिए वो 1,1 है। मैं कोई और दूसरा सेट भी चुन सकता था, समझ गए क्या? जैसे यहां देखो, यहां अगर मेरे पास साइन एक्स अगर मेरे पास खींचा हुआ है, मान लेते हैं ऐसा, ये ऐसा खींचा हुआ है साइन एक्स, तो साइन एक्स तो देख ही रहे हो कितना बड़ा बेशरम है, समझ में आ रहा है क्या? कितना बेशरम है तो देख ही रहे हो, आगे से पीछे से पूरा खुल्लम खुल्ला एकदम बेशर्मी किए जा रहा है, समझे क्या? तो यहाँ देखो, इसको क्या करो, जैसे इसको काट दोगे अगर, जैसे ऐसा कट कर दोगे, ऐसा यहाँ से यहाँ कट कर लो, तो यहाँ से यहाँ 1,1 है कि नहीं है, और ऑन टू तो रहेगा ही। देखो ऑन टू के लिए तो क्या है तुमको, कोडोमेन बराबर रेंज तो अपन लेकर चल ही रहे, समझे क्या? ठीक है, कहाँ से कहाँ तक अपन उसको डिफाइन कर रहे हैं, वो तो अपना ही है, -1 से 1 तक अपन ने रख रखा है उसको। ठीक है क्या? तो वो ऑन टू तो है ही, 1,1 सेट करना है, तो 1,1 देखो कहाँ से कहाँ सेट कर सकते हो, देखो यहाँ -π/2 से π/2 भी 1,1 है कि नहीं? ठीक है, इट इज 1,1 फॉर -π/2 से π/2, और कहाँ कहाँ 1,1 है देखो, ये यहाँ से यहाँ भी 1,1 है, और कहाँ से कहाँ हो जाएगा बे, ये देखो इसको ले लो, 0 से π/2 उठा लेते हैं, -π/2 से π/2 उठाया ना अपन ने, इसको ऐसा कर लो, ये तो साले मैंने किसका, हाँ ठीक है, ये यहाँ से यहाँ देखो, और ये हो गया तुम्हारा लाइन π/2, ये हो गया -π/2, ये हो जाता है अपना कितना 3π/2 ऐसा। तो देखो π/2 से 3π/2 भी मस्त 1,1 है ना, है नहीं 1,1? फिर अगेन देखो 3π/2 से 5π/2 भी तुम्हारा 1,1 है, 3π/2 से 5π/2 भी तो 1,1 है, तो कोई सा भी उठाकर तुम कर सकते थे 1,1 वाली चीज। अपने को इनवर्स निकालना ना, साइन इनवर्स एक्स, तो उसके लिए दादा परदादाओं ने तुम्हारे क्या चुना, उन्होंने चुना -π/2 से π/2 उठाएंगे ऐसा। तो उसमें देखो जो डोमेन है वो हो गया -π/2 से π/2, और जो रेंज हो गई वही कोडोमेन भी है, अपन ने कंसिडर किया, कंसिडर साइन एक्स है ना, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 से लेकर -1 से 1 कंसिडर किया हम लोगों ने, ऐसा कंसिडर किया ऐसा।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। तो कोडोमेन बराबर रेंज है, समझिएगा, देयर फॉर ऑन टू है, देयर फॉर ऑन टू, देयर फॉर ऑन टू एंड दिस इज वन वन फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, क्या कहते हो? तो साइन एक्स इज इन्वर्टिबल, ऐसा। अब इन्वर्टिबल हो गया, नाउ साइन एक्स इज इन्वर्टिबल, ऐसा। तो अभी इसका इन्वर्स फंक्शन अगर तुमको खींचना है तो कैसे खींचोगे, देखो जरा प्यार से, फटाफट देखो कैसा हो जाएगा ये। ऐसा ये वाई बराबर एक्स खींचो तंडर से, एकदम ऐसा वाई बराबर एक्स शान से खींचो, ऐसा तड़ाक से। अब देखो साइन एक्स की फोटो बनाओ, कैसी बनाओगे? ये बन जाता है साइन एक्स ऐसा, ये यहाँ से निकालो ऐसा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा ना, ये ऐसा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू अपने को बनाना है। तो पहले एक काम करते हैं, साइन एक्स की फोटो पहले निकाल लेते हैं, ये ऐसा और ये ऐसा। अब जो साइन एक्स है, वाई बराबर एक्स है, वो लाइन यहाँ से निकलती है ऐसा, साइन एक्स से ऊपर रहती है, ये बात ध्यान में रखना। एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स और टेन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स, ये आइडेंटिटी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखोगे है ना। कभी भी एक्स कैसा कितना भी गिर जाए साइन एक्स के नीचे नहीं गिरता, समझे, ये ध्यान में रखना। और टेन एक्स कितना भी नीचे गिर जाए एक्स के नीचे नहीं गिरता, टेन एक्स हमेशा ऊपर रहता है एक्स से, ये बात ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अपन ने बना लिया वाई बराबर एक्स और ये हो गया वाई बराबर साइन एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स की फोटो कैसी आएगी, देखो जरा प्यार से, यहाँ ये कुछ ऐसा आता है, देखो ये जो है ये ऐसा, ठीक है, ऐसा आता है कुछ, ये हो गया वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये ऐसा आता है, समझ पा रहे हो? इसमें देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, एक्स को अगर तुम रखोगे पाई बाय टू तो आउटपुट क्या आएगा, वन। तो इनवर्स वाले फंक्शन में जो उसकी मिरर इमेज रहेगी उसमें क्या होगा, अगर तुम एक्स को रखोगे ना, एक्स को अगर तुम रखोगे वन तो आउटपुट क्या आएगा, पाई बाय टू। मेरा मतलब ये है साइन इनवर्स अगर तुम रखोगे क्या, वन, तो आउटपुट क्या आएगा, पाई बाय टू, ऐसा। 0,0 लाइज ऑन बोथ, है ना। अच्छा उसके बाद देखो, अगर मान लेते हैं तुमने रखा लेट से, है ना, तुमने रख दिया लेट से माइनस पाई बाय टू, है ना, माइनस पाई बाय टू कॉमा माइनस वन, ये किस में है, साइन एक्स में है ये। तो इसकी जो मिरर इमेज है वो कैसी रहेगी तुम्हारे पास, इसकी जो मिरर इमेज है वो कैसी रहेगी, उलट के इसको कर दो, वो कैसा हो जाएगा, माइनस वन कॉमा माइनस पाई बाय टू, इसका मतलब साइन इनवर्स माइनस वन कितना होगा तुम्हारे पास, माइनस पाई बाय टू हो जाएगा, समझ रहे हो क्या, ये सब बातें ध्यान रखना, ठीक है क्या, ऐसा। तो साइन इनवर्स एक्स की फोटो जैसे मैंने तुमको बता के बताई है, ऐसे छियों के तुम फोटो वोटो निकाल लेना, है ना, वर्कआउट करना अच्छे से प्रैक्टिस कर करके। तो उसमें मेरी ट्रिक ये रहती है, जैसे इनवर्स का कभी भी अगर तुमको कर्व अगर बनाना हो, उसमें ट्रिक ये मैं तुमको बता दूं, पॉइंट्स पहले प्लॉट कर लेना, जैसे सेक इनवर्स एक्स का जब तुम ग्राफ बनाने जाओगे तो ऑलवेज प्लॉट पॉइंट्स फर्स्ट, पॉइंट्स पहले प्लॉट कर लो। जैसे तुमको पता है सेक एक्स में अगर 0,1 अगर है तो 1,0 पक्का सेक इनवर्स एक्स पर होगा। तो जब पॉइंट्स तुम्हारे पास आ जाते हैं तो उसके बाद फिर वो नेचर ऑफ कर्व किस तरह से निकालना, वाई इक्वल्स टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक रहता है, इस चीज़ का तुम इस्तेमाल करना, ठीक है, और उसके बाद फिर नेचर ऑफ कर्व वगैरह निकालते रहना, और जो प्रॉपर्टीज वगैरह है और जो सब कुछ है वो सारी चीज़ें फिर उसमें डिस्कशन अच्छे से की गई है मेरे द्वारा, फिर उन चीज़ों पर कैसा तुम अपना करते रहना विश्लेषण, ठीक है क्या। उसमें देखो इनवर्स में एक्चुअल में सबसे बड़ा मेन गेम तभी होता है तुम्हारे पास जब वो, तुम जब वीडियो देखोगे तब तुमको समझ में आएगा। उसमें इस बात का ध्यान रखना कि वैसे तो तुम जब वीडियो देखोगे तब खैर अपने आप वो चीज़ें तुम्हें पकड़ में आएंगी बराबर, ठीक है, लेकिन उसमें डोमेन रेंज का एक्चुअल में बहुत अच्छा गेम होता है, बहुत ही अच्छा गेम होता है। तो उसमें क्या एडजस्टमेंट किस प्रकार से क्या कैसे किया जाता है, जब तुम वीडियो देखोगे तब तुम्हें डाउट्स वगैरह आएंगे, तब तुम पूछना कुछ भी अगर डाउट वगैरह आएगा तो फिर उसमें फिर मुझसे, तो मैं तो हूँ ही, ठीक है। तो उसमें इतना टॉनिक एक इंसान के स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल सफिशियंट है, अब इसके बेसिस पर वो एक इंसान अपना काम शुरू कर सकता है आगे, ठीक है। अच्छा तो अभी इसको फिर हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं।
ना, ग्राफ से रिलेटेड अगर किसी को कुछ अगर कुछ पूछना है तो बोले। साइन इनवर्स एक्स फिर कैसा हो गया तुम्हारा, कैसा कहां से कहां तक डिफाइंड हो गया? साइन इनवर्स एक्स हो गया तुम्हारा कहां से कहां तक डिफाइंड, -1 से 1 इसका इनपुट रहेगा, और आउटपुट कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से π/2 तुम्हारा आउटपुट आएगा। समझ पा रहे हो? जैसे कि साइन इनवर्स बताओ मेरे को जरा, लेट्स से लिया मैंने √3/2, तो आउटपुट क्या आएगा बोलो। अरे क्या आवेगा, अरे बोलो गधेड़ो। अबे क्या मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही बे? क्या मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, तो अभी अंदर क्या जाएगा, इनपुट अंदर जाएगा, इनपुट एक नंबर, और आउटपुट क्या आवेगा, आउटपुट आवेगा एक एंगल। ऐसा जैसे साइन एक्स में क्या होता है, एक्स क्या रहता है, एक एंगल जाता है ना अंदर, एंगल, आउटपुट क्या आता है, एक नंबर आता है। तो अभी उल्टा होगा, अभी अंदर क्या जाएगा, एक नंबर, आउटपुट क्या आवेगा, एक एंगल। तो साइन इनवर्स √3/2 का मतलब क्या है, एक ऐसा एंगल जिसका साइन क्या हो जाए, √3/2। तो कैसा एंगल है, वो एंगल है -π/2 से π/2 के बीच का होगा वो एंगल, बोलो कौन सा एंगल होगा। जैसे देखो साइन इनवर्स एक्स की फोटो देखो कैसी है, देखो साइन इनवर्स एक्स की फोटो ऐसी आ रही, कुछ लगभग रफली ऐसी आ रही है, कुछ ऐसा मैंने बहुत थोड़ा एक्सपांडेड बना दिया है, तो इसमें ये कुछ ऐसी आती है लगभग, है ना, कुछ ऐसी रहती है, कुछ ऐसी इस टाइप की रहती है। तो ये क्या है, देखो 1 अगर तुम इनपुट डालोगे तो आउटपुट क्या आएगा, π/2। π/2 इज व्हाट, अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट कितना, 5 समथिंग, 1.57, है ना। और इधर अगर तुमने इनपुट डाला अगर -1, तो आउटपुट क्या आएगा, -1.57। ऐसा तो अब मेरे को बताओ, अगर इनपुट अगर तुम डाल रहे हो √3/2, तो आउटपुट क्या आएगा, √3/2, आउटपुट क्या आएगा, π/3 sin 60 आएगा, नहीं आएगा π/3। ऐसा बोलो माइनस हाफ पे क्या आएगा, देखो माइनस हाफ होगा कहीं, यहाँ पर -0.5, आउटपुट क्या आएगा, आएगा बोलो कितना आएगा, अबे -π/6, -π/3 है, -π/6। हाँ और बोलो, 0 पे क्या आएगा, 0,0 तो यहाँ जिंदा बिंदास है ना, ये तो अपना मस्त है, 0,0, 0 पे 0, ठीक है क्या? ये क्या है, ये एंगल है, दिस इज एन एंगल, है ना, ध्यान रखियो। तो साइन इनवर्स -√3/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/3, और ये हो जाएगा -π/4, एंड सो ऑन सो फोर्थ, कर ही सकते हो उसमें तो। ठीक है बातें, तो मैंने एक थोड़ा सा एक बेसिक स्टार्ट दे दिया है तुमको, ठीक है, हेड स्टार्ट। अब इसके बेसिस पर अब तुम उसके बाद अपना काम धंधा शुरू कर दो, ठीक है? तो ठीक है फिर, अभी इसको मैं यहाँ पर ओवर करता हूँ, है ना।